हेलो गाइस, अरुमा सेन भाई की एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की एंडिंग को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एरिका किसी तरह उस बंदे का सर फोड़ के वहाँ से भाग जाती है और 11 मैक्स को संभाल लेती है, पर वेकना फिर से खड़ा हो जाता है एंड दोनों के बीच में साइकिक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वेकना 11 को ओवर पावर कर लेता है एंड डस्टिन डंडा लेके एडी को ढूंढने के लिए जाता है, पर वेकना 11 को कैप्चर कर लेता है एंड मैक्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। पर 11 डॉक्टर ब्रेनर की डेथ को लेकर वेकना का अटैक डिले कर देती है और पेप्टॉक देके उसे ठीक करने की ट्राई करती है, पर वेकना उसे कहता है कि पापा ने उसे चेंज नहीं किया, वो पहले से ही ऐसा था और सिर्फ 11 रिस्पॉन्सिबल है वेकना की इस हालत की वजह से। वो उसे अपनी जर्नी के बारे में भी बताता है कि वो अपसाइड डाउन को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पर उसे माइंड फ्लेयर मिला था जिसकी ड्राइंग वो बचपन में बनाता था। वेकना ने माइंड फ्लेयर का फुल पोटेंशियल को यूज़ करना चाहा एंड उसे बस एक डोरवे चाहिए था इस वर्ल्ड में आने के लिए, एंड 11 ने सीजन 1 में वो ओपन भी कर दिया था, बट वो बार बार डोरवेज को क्लोज कर देती थी और वेकना का वर्ल्ड रीशेप करने वाला प्लान फेल हो गया था, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है एंड सीजन 3 में 11 से उसकी पावर्स ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है और खुद डोरवेस बनाने का प्लान बनाता है। 11 के सारे फ्रेंड्स अपनी डेथ के बिल्कुल एंड पॉइंट पर है और वेकना डिसाइड करता है कि वो 11 को ये सारा डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मजबूर करेगा और वो ये कहकर मैक्स को अपना कर्स फुल पावर में एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बोन्स क्रैक करने लगती है। 11 सही से ब्रीथ भी नहीं कर पा रही होती, इसलिए विल के कहने पर माइक उसे पेप्टॉक देना स्टार्ट करता है एंड उसे आई लव यू कहता है, जिसकी वजह से वो एनकरेज हो जाती है एंड 11 पूरे जोश में वेकना को उड़ा देती है। होपर को डेमोडोक्स मारने वाले होते हैं, पर जॉयस उसे बचा लेती है एंड वो दोनों डेमोडोक्स को डेथ पिट में ट्रैप कर देते हैं, जहाँ पर मरे फ्लेम थ्रोअर से डेमोडोक्स को मार देता है, जिससे स्टीव और उसकी गैंग फ्री हो जाती है, पर बेचारा एडी मर चुका है। लेकिन रशिया में वहाँ पे एक डेमोडोक बचा हुआ होता है, इसलिए होपर स्वॉर्ड उठाकर उसके टुकड़े कर देता है। स्टीव और नैन्सी वेकना की बॉडी पर मोलोटोव कॉकटेल से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है एंड वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पर जाते जाते वेकना 11 को बोलता है कि ये बस बिगिनिंग है एंड वो बैटल ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। यूरी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है एंड मरे उसको देखकर खुश हो जाता है, उसके दांत दड़े फटने लगते हैं। एडी मर जाता है और डस्टिन को वो उसकी शीप का ख्याल रखने के लिए कहता है। लूकस ने भी जेसन को फाइट में हरा दिया, पर मैक्स मर जाती है और अपसाइड डाउन के जो क्रैक्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा हॉकिंस डिस्ट्रॉय हो जाता है इंक्लूडिंग जेसन। पर 11 मैक्स की डेथ को एक्सेप्ट नहीं करती और उस पर अपनी पावर्स यूज़ करती है। हमें 2 दिन का गैप दिखाया जाता है और लोग हॉकिंस छोड़कर जा रहे हैं, पर बस जोनाथन की वैन है जो हॉकिंस में एंटर कर रही है। हॉकिंस में अर्थक्वेक आया था एंड वो एडी पर चार्जेस लगा रहे हैं कि उसने हेल के डोरवेज ओपन कर दिए और खुद मर गया। नैन्सी अपने टॉयज को डोनेट कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर जोनाथन की एंट्री होती है और सीजन में पहली बार पूरी टीम इकट्ठा होती है। लेकिन जोनाथन और नैन्सी का रिलेशन अभी भी फंसा हुआ है एंड वो उसे अपने कॉलेज लेटर के बारे में भी झूठ बोल देता है। लेकिन लूकस वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो हॉस्पिटल में मैक्स से मिलने जाते हैं, जिसके हाथ पैर टूट चुके हैं एंड वो कोमा में भी है। 11 उस पर अपनी पावर्स भी यूज़ करती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनेशन रूम में स्टीव और रॉबिन जॉब्स वॉलंटियर कर देते हैं, जहाँ पर रॉबिन को विक्की मिल जाती है एंड विक्की का ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से रॉबिन को सेकंड चांस मिल जाता है, लेकिन बेचारा स्टीव अभी भी अकेला है। डस्टिन एडी के अंकल को देख लेता है, जो उसके मिसिंग पोस्टर लगा रहे थे, तो डस्टिन उन्हें एडी का लोकेट देकर क्लोजअप देता है और वो 11 को गवर्नमेंट से बचाने के लिए उसके पुराने होपर वाले घर में ले जाते हैं, जहाँ पर 11 अपने आप को हॉकिंस के डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लेम कर रही है। पर तभी वहाँ पर विल बताता है कि वेकना अभी मरा नहीं है, वो बस बैडली हर्ट है एंड उसे रिवेंज चाहिए। तभी वहाँ पर होपर की एंट्री होती है, जिसको देखकर हमें होपर और 11 का इमोशनल सीन देखने को मिलता है एंड 11 मैक्स की कॉन्शियसनेस को फील भी नहीं कर पा रही, बट तभी हॉकिंस में स्नोफॉल हो जाती है एंड वहाँ पर जितनी भी ग्रीनरी होती है वो गायब होने लगती है एंड हॉकिंस अपसाइड डाउन जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि डोरवेज ओपन हो चुकी है अपसाइड डाउन की एंड पूरी गैंग बिग बैटल के लिए रेडी है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।